शोला और शबनम का नेक्स्ट पार्ट मिला है, देखते हैं लास्ट में बर्थडे सेलिब्रेशन था, बहुत एंजॉय कर रहे सारे। अब आगे देखते हैं, प्ले करें। That was a nice evening. Okay, Major. See you. दो तीन दिन रुक जाते तो अच्छा होता। कल एक जरूरी मीटिंग है और फिर तुम्हारा कैंप भी खत्म होने वाला है, बॉम्बे में ही मिलेंगे। Okay, यशपाल। क्या हुआ? क्या हुआ? वो मेरी इज्जत। कौन है वो? एक बार मुझे उसका नाम बता दो। कौन है वो? मैं उसका नाम तो नहीं जानती, लेकिन आपको उसकी शक्ल बता सकती हूँ। बताओ कौन इनमें से वो? बताओ, बताओ कौन है वो शैतान? ये क्या बोल रही सर? ये झूठ बोल रही सर, मैं कसम खा के बोलता हूँ झूठ बोल रही है। ये मुझे फंसाने की साजिश है सर। हरा हराम खोर सर, ये झूठ बोल रही सर। सारे लड़कों में से सिर्फ तुझ पर उंगली उठी है और कोई भी शरीफ लड़की अपनी बेइज्जती करके किसी दूसरे पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। आज तक मैं तेरी सारी शरारतें, तेरी सारी मस्तियों को बचपना समझकर माफ करता रहा, लेकिन आज तूने वो कानून तोड़ा जो मेरी लिस्ट में नहीं था, और आज तुझे मैं वो सजा दूंगा जो मेरी लिस्ट में नहीं है। साले, ये ऐसे नहीं बोलेगा मेजर, इसे पुलिस के हवाले कर दो, अपने आप इसकी जुबान खुल जाएगी। नहीं कमिश्नर, इसमें मेरी और मेरे कैंप की बदनामी होगी, इसे सजा जरूर मिलेगी। और इसकी सजा यह है कि आज के बाद ना तो कहीं ये पढ़ पाएगा और ना नौकरी कर पाएगा। और इसके कैरेक्टर का मैं वो सर्टिफिकेट बनाऊंगा कि अपने आप से छुपता फिरेगा। कमन वाइज, आज पहली बार मेरे दिल ने फैसला किया था करण। अच्छा हो जाए तुमने हरकत कर दी, वरना मुझे सारी जिंदगी अपने फैसले पर पछताना पड़ता। छी, कमाएगा मेरा भाई, कि तू भी घर से कहेगी क्या बेटा पाया मैंने, है ना? Now get lost, sir. Out, sir. 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 जल्दी है? हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा ना। वैसे भी आज तो खुशी का दिन है। बहुत खुश हो? क्योंकि तुम्हारे रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए साफ हो गया। हाँ, वो हरामजादा उस लड़की से प्यार करने लगा जिस पर मेरी नजर थी, अब वो उसे जिंदगी भर नफरत करने लगेगी। और उसकी जो जिंदगी बर्बाद हुई है वो तो अलग बात है। सर आप? हाँ मैं, जिसने पहली बार आज धोखा खाया है, जिसने पहली बार तेरे किए की सजा एक मासूम को दी है, जिसने पहली बार इन हाथों से किसी निर्दोष की चमड़ी उधेड़ी है। हरामखोर, मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा कोई स्टूडेंट कमीनेपन की हद तक गिर सकता है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? अभी तो सिर्फ हाथ उठाया है, तुझे तो मैं जूतों से मारूंगा। ए मेजर!
मैं कर नहीं हूं जो तुम्हारी मार खाऊंगा। बस बस, हर चांटे के बदले 100 जख्म बना दूंगा तेरे जिस्म पर। करण, मैं जानता हूं मैं कायदे प्लस कानून का बड़ा सख्त आदमी हूं, लेकिन आज मैं तुझे इजाजत देता हूं कि तोड़ दे मेरे सारे कायदे प्लस कानून और सिखा दे इस हरामजादे को कि डिसिप्लिन प्लस इंसानियत क्या होती है। मार! बेगुना होने के बावजूद जितनी तूने मुझसे मार खाई है उतना तो अगर अपनी औलाद को भी मारता तो, लेकिन तूने सब कुछ खामोशी से सह लिया और मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपना खून तक बहा दिया। नहीं सर, नहीं, इसे आप खून मत समझिए, इसे आप गुरु दक्षिणा समझिए, अपने स्टूडेंट की तरफ से। I'm proud of you, my son. सब कौन तुमने हाल किया? उस हरामजादे को हम खुद मारेंगे, 6 की 6 गोलियां उसके सीने में दाग देंगे। सारे कैंप के सामने उसने हमको मारा, हमारा खून भाया, ये हमारा जाति मामला है भैया। उससे बदला हम खुद लेंगे, हम खुद लेंगे। हे मुन्ना, तेरा खून का हमारे खून से अलग है का? उसने तेरा नहीं हमारा खून बहाया भैया। इन इंसान तेरे चेहरे पर नहीं, हमारे दिल पर लगे, हमारे दिल पर। हे मुन्ना देख, हमारा नाम काली है और जवान भी काली है हमारी। हम जो कह देते हैं ना वो हो जाता है, वो हराम ज्यादा मरेगा। हम भी चलेंगे मुन्ना तेरे साथ, हम भी चलेंगे। ए गुलाम, कौन निकाल रहे हमरी? चल मुन्ना। क्या कर रहे हो साली जी, ये क्या कर रहे हो? इसमें इतना जोश में आने की क्या बात है? मामूली फौजी की तरह दुश्मन के सामने जाकर लड़ने की क्या जरूरत है? अरे आदमी है तुम्हारे पास, एक कर्नल की तरह पीछे से ऑर्डर दो। वाली की बेइज्जती का बदला जरूर लो, मगर दिल से नहीं, दिमाग से। एक का बात हमका समझ में आ गया। हे मुन्ना, तू कानो चिंता मत कर, हम उस हरामजादे को ऐसा लहसन वहां सिखाएंगे कि सारा दुनिया हंसेगा उस पर। मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो, छोड़ दो। शुक्रिया, छोड़ दो मुझे। अरे नहीं 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 छोटे साले जी,
अरे कहाँ इज्जत उज्जत लूट रहे हो अपाहिज की, शरीफ लड़की है, खाली साड़ी उतार के फेंक दो साली की, घर पहुँचते पहुँचते शर्म के मारे खुद ही पानी पानी हो जाएगी। जानती है तुझे ये जिल्लत क्यों उठानी पड़ रही है, हा? जानती है तू, तेरी भाई की वजह से मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। अपने भाई से कहना कि बाली ने कहा है तुम्हारा अगर कोई लफड़ा किया तो तेरे जिस्म पे ये पेटीकोट और ये ब्लाउज नहीं रहेगा, समझी? चलक बड़ा हरामी है यार ये विवेक भैया, पहले तो हमारे राजा बाबू पर इतनी बड़ी तोहमत लगा दी कि इसने गलत हरकत की, अब तो यार उसकी बहन पर ही अटैक कर दिया, इतना कमीना है यार, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, सबके सामने इज्जत लूट रहा है, लोग भी पुतले बने हुए देख रहे हैं तमाशा, लोगों पर गुस्सा आता है बड़ा कि ये देखते हैं बस खामोशी यार, लोग तो भाई क्या है ये बस तमाशा देखने के लिए, इतने सारे हजारों की तादाद में भीड़ थी भाई, एक एक भी इनको मारता तो ये भाग जाते यार, आप लड़की की इज्जत तो करो, रक्षा तो करो उनकी यार, बड़ा बुरा लग रहा है। बाकी यार उसने हमारा जो राजा बाबू है उसकी दाद देनी पड़ेगी, हिम्मत की अपने उस्ताद पर हाथ नहीं उठाया ना, ये बड़ी सलामी की बात है, उसको विवेक बाबू का भी भांडा फूट गया मेजर के सामने ना, तो पब्लिक है ना सबसे बड़ी तो दलाल वो है जो एक एक हाथ मारती तो ये गुंडे लोग को भागना पड़ता है ना, ये सारे पुतले खड़े हुए देख रहे तमाशा, साले तेरी घरवाली कोई बच्ची को कोई ऐसा करता तो तुम मार मार कर उन गुंडों का भुर्ता बना देते, सारे देख रहे हंस रहे साले, बड़े हरामी जो उसका भाई है, बड़े हरामी विवेक भैया का तो नाम विवेक भैया तो मैं नहीं लूंगा, हरामी लूंगा अभी, हरामी हरामी अभी विवेक भैया खत्म है, वो अच्छा था, ये रावण का बेटा है भाई। भाई ये पब्लिक तो भाई गुनहगार तो है भाई, ऐसे रोड पर सड़कों पर देख रहे हैं ये नजारा, उसको मजा आ रहा है पब्लिक को देख कर भाई, ये पहली बार हो रहा है भाई, विवेक तो बड़ा हरामी है, लंगड़ा अच्छा था भाई। लंगड़ा नहीं उसका हाथ बीमार वाला था। तो दोस्तों ये वाला पार्ट एंड हो गया, बहुत अफसोस हुआ कि एक लड़की के साथ इतना बुरा सलूक हुआ पब्लिक के सामने, हमें गुस्सा है इस सीन पर।